एक समय की बात है, पुण्यपुर नामक राज्य में यशकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उनका सत्यमणि नाम का बड़ा ही समझदार, कर्मठ और चतुर मंत्री था। परंतु राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ मंत्री पर डालकर वह भोग में पड़ा रहता था। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में एक चित्रकार आया। उसने एक से बढ़कर एक सुंदर और आकर्षक चित्र राजा को दिखाए, जिसे देखकर राजा उन चित्रों पर मुग्ध हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे सोने से तोल दिया और ढेर सारा इनाम दिया। सभी दरबारी कलापारखी राजा की जय जयकार करने लगे, लेकिन मंत्री को बहुत दुख हुआ। राजा की दानशीलता और भोग विलासिता में अधिक व्यय के कारण राजकोष का धन दिन प्रतिदिन घटने लगा। प्रजा राजा से निराश हो गई। मंत्री ने जब देखा कि राजा के साथ साथ सब जगह उसकी भी निंदा होती है, तो उसका मन कुछ उचट गया। उसने मन को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया और राजा से आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर चला गया। एक दिन सत्यमणि घूमते हुए समुद्र तट पर जा पहुंचा और वहीं ठहर गया। आधी रात के समय उसने देखा कि समुद्र से एक सुंदर वृक्ष निकल रहा है। वह वृक्ष अद्भुत रोशनी से जगमगा रहा था। उस पर हीरे मोती के फल लगे हुए थे। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। इस दिव्य चमत्कार को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थोड़ी देर बाद वह रूपवती कन्या गायब हो गई और पेड़ भी वहां नहीं रहा। मंत्री बड़ा चकित हुआ। मंत्री ने अपने नगर में लौटकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। मंत्री की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो गया और राज्य का सारा काम मंत्री को सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही वृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। राजा जब तैरकर उस कन्या के पास पहुंचा, तो कन्या ने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या बोली, मैं गंधर्व विद्याधर की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है। आप जैसे गुणवान और शक्तिशाली राजा से विवाह करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने उससे कहा कि अपनी शर्त बताओ। तब कन्या ने यह शर्त रखी कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के रात को एक राक्षस उसे अपने वश में कर लेता है और निकल जाता है। आपको पहले उस राक्षस को खत्म करना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगा। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी दुधारी तलवार से राक्षस का सिर काट डाला। मृगांकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है, तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने यहाँ आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाएगा और मैं उसका पेट चीरकर बाहर निकलूंगी। जब मैंने उनसे श्राप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय किया तो वो बोले, जब पुण्यपुर देश का राजा तेरा पति बनना चाहेगा और राक्षस को तुझे निगलते हुए देखेगा, तब वो राक्षस को मार देगा, तब तेरे श्राप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया और अपने मंत्री को धूमधाम से विवाह की तैयारी करने को कहा। उसने सभी देशों के राजाओं को विशेष आमंत्रण पत्र भेजे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने के लिए कहा और देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों, नृत्यांगनाओं, नाटककारों, संगीतकारों इत्यादि को सम्मान पूर्वक बुलाने को कहा तथा उत्तम विश्राम गृह बनवाने को कहा। साथ ही रानी के लिए एक नया महल बनाने को कहा। मंत्री ने जब यह सब देखा और सुना तो उसका हृदय फट गया और वह स्वर्ग सिधार गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय उसे ऐसा क्या दुख हुआ कि मंत्री का हृदय फट गया और वह मर गया? विक्रम ने कहा,
सुन बेताल, मंत्री का हृदय इसलिए फटा कि उसने सोचा राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है और उसके कारण फिर राज्य की दुर्दशा होगी। अच्छा होता कि वापस आकर मैं वो सारी बातें राजा को ना बताता। विक्रम का इतना कहना था कि बेताल बोला, राजन तुम्हें पहली शर्त याद है ना, तो अब मैं चला। और बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम तेजी से उसके पीछे चल पड़े।